नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम सबको पता ही है कि हम कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, जिस वजह से एंटरटेनमेंट के साधन के लिए कुछ हमारे पास है नहीं। थिएटर बंद है, जिस वजह से डिज्नी हॉटस्टार ने अपने प्लेटफॉर्म पर 7 ब्यूटीफुल एंड सुपरस्टार फिल्म्स रिलीज़ करने की अनाउंसमेंट की है। उसी तरीके से अमेज़ॉन ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट की है, और आज सुबह नेटफ्लिक्स इंडिया ने भी कुछ ऐसे 17 बिग प्रोजेक्ट, माइंड इट, 17 बिग प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, जो अगर थिएटर में रिलीज़ होते तो शायद धूम मचा देते। हालांकि थिएटर बंद है तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया जाए, तो डायरेक्टली OTT पे उन प्रोजेक्ट को डाला गया है। एंड ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, कंटेंट ऐसे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं। तो आइए एक एक करके, मैं नाम पढ़ के सुना था बिकॉज इतने सारे नाम हैं कि याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं एक किताब में मैं लिख कर आया हूँ वो सारे नाम जो नेटफ्लिक्स इंडिया ने आज सुबह ही अनाउंस किए हैं। 17 बिग प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने अनाउंस किए हैं। तो सबसे पहला है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो हमें पता है कि बहुत पहले ही इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी, बट एज अ लाइनअप ऑफ अनाउंसमेंट करनी थी इसलिए इसको भी डाला गया है। पर इसका ऑफिशियल रिलीज डेट भी हमारे सामने दिया गया है, जो है 12 अगस्त 2020 को ये गुंजन सक्सेना कारगिल गर्ल रिलीज़ होगी, स्टारिंग जाह्नवी कपूर, पंकज त्रिपाठी एंड अंगद बेदी। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड है लूडो। तो माय गॉड, मतलब क्या पोस्टर है इस लूडो का। अभिषेक बच्चन हो, राजकुमार राव हो, आदित्य रॉय कपूर, फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा, अनुराग बासु का डायरेक्शन है। मतलब इसका पोस्टर बहुत ही रंगीन है और बहुत ही मज़ेदार है, क्वर्की भी है इसका पोस्टर। एंड थर्ड है तोरबास, स्टारिंग संजय दत्त एंड नरगिस फकरी। ये मूवी की शूटिंग जो है वो लगभग 3 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, बट किसी कारणवश रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, तो अब जाके फाइनली नेटफ्लिक्स पे ये मूवी रिलीज़ होने वाली है। इंटरेस्टिंग बात है कि रिलीज़ हो वही ज़्यादा मैटर करता है, कब हो कैसे हो वो मैटर नहीं करता है। एंड ये मूवी एक सुसाइड बॉम्बिंग पर बेस है ऐसा सुनने में आया है, देखते हैं किस तरीके की आगे कहानी होगी। आगे है AK vs AK, मतलब इट्स लाइक अ फिल्मी स्टोरी लगती है मुझे। जो डायरेक्टर है इसके विक्रम आदित्य मोटवाल है, स्टारिंग अनिल कपूर, अनुराग कश्यप, सोनम कपूर, हर्षवर्धन कपूर, इतने सारे कलाकार हैं। एंड ये इसकी जो इसका जो पोस्टर है, एक्चुअली ये पोस्टर नहीं है, बस एक थोड़ा सा लुक दिया गया है, बाकी ये बहुत ही रंगीन कहानी लग रही है, बहुत ही फिल्मी स्टोरी है, तो मज़ा आएगा देखने में। आगे है त्रिभंगा, स्टारिंग काजोल एंड मिथिला पालकर। तो ये मूवी भी नेटफ्लिक्स इंडिया पर आ जाएगी, इसको प्रोड्यूस किया है काजोल के हस्बैंड खुद अजय देवगन ने। आगे है डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे, मतलब इसका जो पोस्टर है मज़ा आ जाता है, मतलब क्वर्की पोस्टर है, मज़ेदार पोस्टर है डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे, स्टारिंग भूमि पेडनेकर एंड कोंकणा सेन शर्मा। ये मूवी भी देखने लायक होगी, प्रॉमिसिंग होगी ये मूवी। और आगे है क्लास ऑफ 83, मतलब बॉबी देओल इस कमिंग बैक विद द प्रोमिसिंग कैरेक्टर। वो एक IPS ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं क्लास ऑफ 83 में, जहाँ पे इसका कहीं भी दूर दूर से 83 से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बोल दूँ, 83 अलग मूवी है और ये क्लास ऑफ 83 अलग मूवी है। प्रोड्यूस बाय नन अदर देन शाहरुख खान प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जो एक और एक प्रोमिसिंग मूवी लग रही है नेटफ्लिक्स द्वारा। आगे है गिन्नी वेड सनी, स्टारिंग यामी गौतम एंड विक्रांत मैसी। जब इसका नाम सुना था तब मुझे लगा था क्या होगी ये मूवी, मतलब ऐसी नॉर्मल स्टोरी लाइन होगी जैसे बताया जा रहा था, बट नहीं, ये भी एक प्रॉमिसिंग मूवी लग रही है जिस तरीके से इसके पोस्टर रिलीज़ किए गए हैं इस मूवी के, तो देखना रहेगा कि ये मूवी किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या होती है। एंड एक पंजाबी फ्लिक भी इसमें दिया गया है, नई मूवी है काली कुही,
वो एक पंजाबी फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी। आगे है बॉम्बे रोज़, ये एक पहली एक ऐसी एनिमेटेड मूवी है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी इन फिल्मों के साथ। और आगे है रात अकेली, माय गॉड, मतलब नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे। रात अकेली ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक नॉर्मल सी कहानी होगी, बट इसके भी पोस्टर्स जो देखे हैं बहुत ही मज़ा आ रहा है पोस्टर्स देखने में। एंड देखना रहेगा कि किस तरीके से ये कहानी भी आगे हमें देखने मिलती है इसके ट्रेलर द्वारा। तो रात अकेली स्टारिंग नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की एक और मूवी है जिसका नाम है सीरियस मैन, वो भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली है। तो हमने पिक्चर की तो बात कर ली, आइए बात करते हैं उन 5 वेब सीरीज़ के बारे में जो नेटफ्लिक्स इंडिया रिलीज़ करने वाली है इस फिल्मों के साथ। जो पहली वेब सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स इंडिया रिलीज़ करने वाली है अपने OTT प्लेटफॉर्म पर, वो है असूटेबल बॉय स्टारिंग ईशान खट्टर एंड तब्बू। ये एक सेम नेम की ये नोवेल है जिस पर ये सीरीज़ आधारित है, और मीरा नायर की ये सीरीज़ है सूटेबल बॉय। तो ये कुछ अलग प्रकार की स्टोरी है जो देखना रहेगा किस तरीके से ये हमें दिखाई देती है आगे जाके। आगे है मसबा मसबा स्टारिंग मसबा गुप्ता, ये भी एक ड्रामा सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स इंडिया लॉन्च करने वाली है अपने OTT प्लेटफॉर्म पे। तीसरी जो सीरीज़ है वो है भाग बीनी भाग, वो भी एक सीरीज़ है। चौथी है बॉम्बे बेगम्स, एंड पांचवी एंड लास्ट जो सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स इंडिया लॉन्च करने वाली है उसका नाम है मिसमैच। तो ये कुछ 12 मूवीज़ के नाम हैं एंड 5 वेब सीरीज़ के नाम हैं जो नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने OTT प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट की है। हालांकि इसमें से केवल गुंजन सक्सेना ही जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट हमारे सामने रखी गई है आज, जो 12 अगस्त जैसे मैंने बताया, और बाकी के जो रिलीज़ डेट है, बाकी की फिल्मों की रिलीज़ डेट, वेब सीरीज़ की रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही अनाउंस होती है वैसे मैं आपके सामने लेकर आऊँगा एक और बार। तो आपको कौन सी मूवी के बारे में इंतज़ार है, कौन सी सीरीज़ के बारे में आप इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ कशिश कड़किया, थैंक यू।